हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आपके प्रीमिड एग्ज़ाम जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लर्न करना है और उनको अच्छे से पूरे नोट्स को प्रॉपर समझकर अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके जो MCQs हैं उनको लर्न करना है और उनको देखना है कि हमारे MCQs में चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं और वो किस तरह से हमें उनके आंसर्स को याद रखना है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स में आपका पॉवर्टी। ठीक है, तो आज हमें उसी के MCQs को डिस्कस करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से अलग हैं, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये कुछ बुक के क्वेश्चंस होंगे आपके और कुछ बुक से अलग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मोर देन डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया, कि विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो वो जितने भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, वो कहाँ पर हैं? इंडिया में। लेकिन वो कितना पोर्शन है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है 1/5। तो 1/5 पोर्शन सबसे ज़्यादा जो पुअर का है वो कहाँ पर है? इंडिया में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2011 एंड 12। ठीक है, कि 2011 और 12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जो जनसंख्या थी, पॉवर्टी लाइन थी, उसकी परसेंटेज क्या रही, उसकी मतलब पॉपुलेशन बिलो की जो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन बिलो है 2011 एंड 12 में, उसका परसेंटेज रेशो क्या रहा। तो उसका जो परसेंटेज रेशो रहा है, वो परसेंटेज रेशो रहा है उसका 22%। ठीक है, और कौन से ईयर में? 2011 एंड 12 में। अब तो बढ़ गया होगा या जो अभी चेंज हो गया होगा, कम हो गया होगा, लेकिन जो हम यहाँ पर क्वेश्चन में बात करिए वो 2011 एंड 12 की है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉवर्टी डिटरमाइनेशन मेजर, कि निम्न में से कौन गरीबी निर्धारण का उपाय है। मीन्स जो हमारी पॉवर्टी डिटरमाइनेशन है, जो पॉवर्टी को डिटरमाइन करता है, उसका मेज़र क्या है, उसको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर आंसर्स में जो दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट, हेड काउंट रेशो, सेन इंडेक्स नंबर, पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, तीनों ही हमारे जो पॉवर्टी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शंस डिमांड वाज फॉर्मेड। ठीक है, कि जो हमारी मिनिमम नीड्स हैं, जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनको उनकी जो प्रक्षेपण करना है, जो हमें उनका प्रोजेक्शंस करना है, और जो हमें उन पर इफेक्टिव कंजप्शंस करना है, जो हमें प्रभावी उपयोग डालना है, उसका उस टास्क फोर का गठन कब किया गया, यानी कि वो लॉन्च्ड कब की गई है, वो हमें बताना है कि वो कब की गई है। 1969 में, 1979, सी ऑप्शन है 1989 एंड डी ऑप्शन है 1999। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रेक्षण और प्रभावी उपभोग पर जो हमारा टास्क है, जो हमारे मांग है, उस पर हमें ये देखना है कि टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 1979 में। तो 1979 में ये गठन किया गया था टास्क होकर कि हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी की जाए और जो हमारा प्रभावी जो हमारी डिमांड है उसका भी हमें एक फॉर्मेट पता चल जाए। तो ये कब से किया गया था? 1979 में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कोल्ड, भाई जो लोग नियमित रूप से गरीबी में आते भी हैं और बाहर जाते भी हैं, मीन्स कुछ टाइम उनका गरीबी में रहा है, मूव इन में रहा है, और कुछ टाइम उनका मूव आउट में रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हमारा क्रॉनिकल पुअर, एक है हमारा क्यूरिंग पुअर, थर्ड है हमारा ओकेजनली पुअर एंड डी है हमारा ट्रांसेंट पुअर। तो वे हमारे क्या होते हैं,
क्यूरिंग पुअर, यानी कि CHURNING, क्यूरिंग पुअर मीन्स यहाँ पर हमारा क्या होता है कि वो लोग क्या होते हैं हमारे गरीबी मंथन में आते, जो आते गरीबी में पॉवर्टी लाइन में आते और जाते रहते हैं। ठीक है, देखो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के नीचे आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप इस मतलब वीडियो के थ्रू आप अपने नोट्स में भी ये अपने डाउन लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में आप ये MCQs लिख भी सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इन 2011 एंड 12 पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइन रोथ डैश एज कंजप्शंस पर पर्सन ए मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड डैश फॉर अर्बन एरियाज, कि भाई 2011 और 12 2011 एंड 2012 में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है यहाँ पर आ गया आपका रूरल एरियाज भी आ गए और अर्बन एरियाज भी आ गए, ठीक है तो गरीबी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत के रूप में कंजप्शंस के रूप में कितनी आपको कितनी राशि दी जाती थी, कितनी राशि पर मंथ थी, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या है, यहाँ पर तो हमारा जाएगा 816 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000, तो इसका बिल्कुल जो क्लियर आंसर होगा वो क्या है कि 2011 में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति पर पर्सन अ मंथ है ना, प्रति व्यक्ति प्रति माह कंजप्शंस के रूप में 816 और शहरी क्षेत्र के लिए मीन्स रूरल अर्बन एरियाज के लिए 1000 के रूप में डिफाइन किया गया है। क्लियर है, तो अगर हम कहाँ पर हैं रूरल एरिया में है तो 816 और अगर हम अर्बन एरियाज में हैं तो 1000, दोनों का दे दिया तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, आपको किसी और आंसर को याद नहीं रखना, आपको याद रखना है जो आपका करेक्ट आंसर है 816 एंड 1000। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन अडॉप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमेनिटीज टू द पीपल, निम्न में से कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के तहत अपनाई गई है ना, तो वो कौन सा ऐसा एक्शन है जो हमें अडॉप्ट किया है प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमेनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या है वो। फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सेकेंड इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, थर्ड इज प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, फोर्थ इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जो कार्रवाई है जो न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के लिए है, जिसको हमने प्रोविजन फॉर मिनिमम बेसिक एमेनिटीज़ के लिए दिया गया, जो हमने अडेप्ट की है, वो हमारी कौन सी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। क्लियर है, नेक्स्ट पर आते हैं, इन 2011 एंड 12 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया, 2011 एंड 2012 में भारत में इंडिया में किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर रही है, तो वो किस राज्य में थी, उड़ीसा। ठीक है, आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, NFWP कब लॉन्च किया गया था, नवंबर 2004। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड असिस्टेंस टू एडल्टली पीपल आर गिवन अंडर, कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम बुजुर्ग लोगों की सहायता प्रदान करने के तहत दिया गया है, तो वो कौन सा है, NSAP। आंसर है आपके पास फोर आंसर्स दिए गए हैं आपको, फर्स्ट आंसर है आपका VAMBAY, सेकंड है NSAP, थर्ड है आपका PMGY एंड डी है आपका PMRY। तो जो हमें ये जो हमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो एडल्टली पीपल के लिए बुजुर्ग पीपल के लिए दिया गया है जो उसके तहत में आता है, वो आंसर है आपका NSAP। ठीक है, तो
तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो थे, ये कुछ आपके नेट के कुछ क्वेश्चंस मैंने अदर इंक्लूड किए थे आपके चैप्टर से रिलेटेड। अब जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके आपकी बुक के हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट आता है आपकी बुक का SJSRY, तो SJSRY स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्लियर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शंस पर टिक करना है। सेकंड आता है द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड टू, कि पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले में भोजन, कि पहले क्या होता था कि काम के बदले में भोजन दिया जाता था, अब वो चेंज कर दिया गया, अब वो किस में बदल दिया गया है, देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एंड फोर्थ है आपका मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो जो हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, यानी कि पहले काम के बदले में भोजन, कि अगर आप काम कर रहे हो किसी के अंडर में तो आपको भोजन दिया जाता था, लेकिन अब वो हमें, हमने कन्वर्ट कर दिया, वो किसी भी एक प्रोग्राम के चलते हुए चेंज कर दिया गया। वो प्रोग्राम हमारा कौन सा है, वो प्रोग्राम है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो अब इसके अंडर में वो हमारा चेंज कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा MPCE स्टैंड्स फॉर, MPCE की भी हमें क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। तो आपको 4 दी हुई हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, सेकंड इज मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, थर्ड इज मैक्सिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ है आपकी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारी जो थर्ड आती है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यही हमारा आंसर होगा, सेकंड नहीं है ये, फर्स्ट आंसर है मंथली पर कैपिटा इनकम, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की अवधारणा किसने पेश की है। फोर्थ ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। फिफ्थ पर आते हैं डैश रेफर टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल रीजन एंड नेशन, ठीक है। यहाँ पर ये रीजन एंड नेशन है, तो यहाँ पर क्या है कि अन्य लोगों के, मतलब जो हमारा अदर क्षेत्र है या अदर पर्सन है हमारा, वो हमारे नेशन से रिलेटेड है या हमारे एरिया से, रीजन से रिलेटेड है, अन्य लोगों के क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में गरीबी को संदर्भित करती है, यानी कि कंपैरिजन करती है पॉवर्टी ऑफ पीपल को, ठीक है। तो वो कौन सी हमारी, फर्स्ट पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी, थर्ड इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नाइदर ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा जो आता है रिलेटिव पॉवर्टी, तो आंसर हो जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी रेफर टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल रीजन एंड नेशन, कि सापेक्ष गरीबी क्या करती है, अन्य लोगों क्षेत्रों और राष्ट्रों की तुलना में सापेक्ष गरीबी लोगों की गरीबी को संदर्भित करती है, कि उनसे क्या करती है, कंपैरिजन करती है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है आपका ट्रांसेंस्ड पुअर इंक्लूड, कि क्षणिक गरीबी में शामिल होता है, कि बहुत कम गरीबी में जो ट्रांसेंट पुअर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ऑलवेज पुअर, बी क्रोनिक पुअर, क्यूरिंग या च्यूरिंग पुअर भी बोलते हैं, नेवर पुअर, एंड यूजली पुअर। तो इसका आंसर हो जाएगा च्यूरिंग पुअर, मतलब गरीबी मंथन में। अभी ये ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, कि भाई ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन 2008, बी ऑप्शन 1999, सी ऑप्शन 2004, एंड डी ऑप्शन 2010। तो कब लॉन्च किया था, 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड, कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1996, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1998, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1997, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1995।
तो यहाँ पर जो हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो मतलब इनिशिएटेड किया गया था, कब शुरुआत की गई थी इसकी, 15 अगस्त 1997 को, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त 1997 को, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल पुअर वाज, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पुअर वाज, कि भाई गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए, इम्प्रूव के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था, कि भाई जो हमारे जो गरीबी लोग हैं, जो पुअर पर्सन हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को अच्छा करने के लिए कौन से प्रोग्राम की शुरुआत की थी। फर्स्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकंड इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, थर्ड इज मिड डे मील स्कीम, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट ने सभी प्रोग्रामों की शुरुआत की थी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का डाटा एकत्रित करता है, कौन सा ऐसा संगठन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज NSSO, सेकंड इज SJSRY, थर्ड इज MGNREGA, ठीक है, और फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा जो कलेक्ट करता है डाटा वो कौन सा है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसकी फुल फॉर्म है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज मोस्ट पुअर, कि निम्न में से सबसे गरीब के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट ट्यूरिंग पीपर, सेकंड इज ओकेजनली पीपर, बोथ ए एंड बी, एंड नाइदर ए एंड नाइदर नॉर बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये जो ऊपर क्वेश्चंस थे उनमें भी था और इस क्वेश्चंस में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड, स्वरोजगार कार्यक्रम इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सेकंड इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, थर्ड इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फोर्थ इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो इंक्लूड किया गया है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ MCQs थे चैप्टर 4 पॉवर्टी के, बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। आपके जो प्रीमिड में आपका जो प्रीमिड सिलेबस है, वो प्रीमिड सिलेबस आपका इन्हीं 4 चैप्टर में से है, इंडियन इकोनॉमी के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में आपका प्रीमिड एग्ज़ाम में आएगा और यही आपका सिलेबस है। तो आपको इन 4 चैप्टर के नोट्स भी अच्छे से करने हैं लर्न, और आपके MCQs भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी में से ही आपको MCQs के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, देन MCQs क्वेश्चंस को भी लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड अच्छे से अपनी स्टडी करिए।